शुक्रवार देर शाम केरल में हुए एक दर्दनाक विमान हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोग मारे गए। दुबई से केरल में कोझिकोड आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे पर फिसल गया। हादसे के बाद विमान के 2 टुकड़े हो गए। इसमें 191 लोग सवार थे। वंदे भारत मिशन की उड़ान से स्वदेश लौट रहे कई लोगों के लिए ये यात्रा काल बनकर सामने आए। इसमें पायलट अखिलेश शर्मा भी मारे गए हैं। अखिलेश उत्तर प्रदेश के मथुरा के गोविंद नगर इलाके के पोतरा कुंड के रहने वाले थे। शनिवार की सुबह इसकी सूचना परिजनों को मिली। परिवार में कोहराम मच गया। अखिलेश के भाई व अन्य परिजन केरल को रवाना हो गए हैं। एयरप्लेन जो क्रैश हुआ है जहाज, उसमें उनकी अच्छा, कैसे आपको सूचना कैसे मिली? आप वहीं से फोन आया था। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? बताई सीरियस हालत है, सीरियस हालत है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे कौन गया है? भाई गया है, उसका छोटा और मेहमान गया। पायलट अखिलेश शर्मा की उम्र करीब 32 वर्ष थी। वो फ्लाइट में को पायलट थे। उनकी शादी 2 वर्ष पहले हुई थी। अखिलेश अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर के थे। पायलट अखिलेश की पत्नी गर्भवती हैं। 10 दिन बाद डिलीवरी होनी है। अखिलेश शर्मा की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। आस पड़ोस में भी माहौल गमगीन है। अखिलेश शर्मा के परिजन और उनके रिश्तेदार और मिलने वाले लोग उनके साथ बिताए हुए पलों को बार बार याद कर उनके सरल स्वभाव और बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं।